बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे बुरा हाल लोक जनशक्ति पार्टी यानी LJP का रहा। चिराग पासवान ने NDA से अलग होकर बिहार में चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन पार्टी केवल एक सीट पर ही जीत सकी। LJP को एकमात्र जीत बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा सीट पर मिली। चिराग के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले का खामियाजा NDA को भी भुगतना पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान JDU को हुआ। चिराग पासवान पूरे चुनाव के दौरान नीतीश पर हमला बोलते रहे और आखिरकार JDU को वोट ही काटने में सफल रह सके। इन सबके बीच दिलचस्प तथ्य ये है कि चिराग ने BJP और NDA के कई बागियों को टिकट दिया था, इसके बावजूद उनकी ये सियासी चाल विफल रही। बिहार में तीनों चरण में हुए चुनाव में BJP के बागी मैदान में थे, हालांकि इससे कोई फायदा LJP को नहीं हुआ। इन 22 बागियों में 21 उन सीटों पर खड़े थे जहां से JDU मैदान में थी, जबकि एक उम्मीदवार बनियापुर से NDA की हिस्सेदारी BIP के खिलाफ था। BJP के बागियों में दिनारा से राजेंद्र सिंह, सासाराम से रामेश्वर चौरसिया, पालीगंज से उषा विद्यार्थी, झाझा से डॉक्टर रविंद्र यादव, जहानाबाद से इंदु कश्यप, घोषी से राकेश कुमार सिंह, संदेश से श्वेता सिंह और अमरपुर से मृणाल शेखर थे, जो LJP के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा रघुनाथपुर से मनोज कुमार सिंह, जीरादेई से विनोद तिवारी, गौड़ा बौराम से राजीव कुमार ठाकुर, दरभंगा ग्रामीण से प्रदीप कुमार ठाकुर, महाराजगंज से कुमार देव रंजन सिंह, बनियापुर से तारकेश्वर सिंह, एकमा से कामेश्वर सिंह मुन्ना, सुगौली से विजय प्रसाद गुप्ता, रानीगंज से परमानंद ऋषिदेव, अररिया से चंद्रशेखर सिंह बनन, कदवा से चंद्रभूषण ठाकुर, लौकहा से प्रमोद कुमार प्रियदर्शी, मधेपुरा से सकारा सुरेश यादव और बाबरी से विषाद चंद्र चौधरी वो नाम रहे जिन्होंने BJP का दामन छोड़ LJP के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। LJP को एकमात्र जीत बेगूसराय जिले में आने वाली मटिहानी विधानसभा सीट पर मिली है। यहाँ जीत का अंतर बेहद कम रहा। LJP उम्मीदवार राजकुमार सिंह ने 333 मतों से जीत हासिल की। उन्हें 61,365 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे JDU के नरेंद्र कुमार सिंह को 61,031 वोट हासिल हुए। यहाँ से माकपा उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी कड़ी चुनौती पेश की और 60,599 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। इस सीट पर दूसरे फेज में 3 नंबर की वोटिंग हुई थी और 60.7% मतदान हुआ था। इससे पहले साल 2015 के चुनावों में JDU उम्मीदवार बोगो सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे थे। राजकुमार सिंह 80 के दशक में तस्कर सम्राट कहे जाने वाले कामदेव सिंह के बेटे हैं। कामदेव सिंह को कई लोगों के बीच गरीबों के मसीहा के तौर पर भी देखा जाता था। वहीं पुलिस के अनुसार तस्करी का जाल उन्होंने बिहार से लेकर नेपाल तक फैला रखा था। 1980 में उनका एनकाउंटर हुआ था। कामदेव कांग्रेस के समर्थक माने जाते रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।